एनोटेशन यूज़ किए हैं, या डायरेक्ट एनोटेशन का नाम नाम बता के पूछा जाता है कि ये एनोटेशन क्या काम करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में एक एनोटेशन होता है जिसका नाम होता है एट द रेट कॉन्फिग्रेशन। तो कॉन्फिग्रेशन एनोटेशन का काम क्या होता है, तो एट द रेट कॉन्फिग्रेशन इंडिकेट दैट द क्लास कैन बी यूज बाई स्प्रिंग आई ओ सी कंटेनर एज अ बीन। मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करें, जैसे हमने अपनी क्लास में ये क्या डिफाइन किया है, एंटिटी क्लास डिफाइन की है, स्टूडेंट क्लास। ठीक है, तो या कोई भी क्लास डिफाइन करें, तो जब एनोटेशन जिस एनोटेशन की क्या होता है, जो कॉन्फिगरेशन क्लास एनोटेशन होता है, उसका काम क्या होता है कि वो ये बता देता है कि जितने भी जो भी क्लास है उसको क्या करना है, वो आई ओ सी कंटेनर मेंटेन करेगा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट क्लास हमने क्रिएट करी, तो उसको कौन मेंटेन करेगा, कौन क्रिएट करेगा उसका ऑब्जेक्ट, वो आई ओ सी कंटेन करेगा। तो अगर कॉन्फिगरेशन एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं हम अपनी एप्लीकेशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि एट द रेट कॉन्फिगरेशन इंडिकेट दैट द क्लास कैन बी यूज बाई द स्प्रिंग कंटेनर एज बीन। जो आई ओ सी कंटेनर है उस क्लास को एज अ बीन यूज करेगा। बीन की डेफिनेशन मैंने बताई हुई है और आगे और बता दूंगा। बीन का मतलब क्या होता है, अगर कोई क्लास को हम बीन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस क्लास की देखभाल जो है, उसको क्रिएट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, वो सारा का सारा काम आई ओ सी कंटेनर करेगा। आई वॉज ऑन Yes, sir. अब एक दूसरा एनोटेशन होता है एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज यूज टू ऑटो कॉन्फ़िगरिंग बीन्स प्रेजेंट इन द क्लास पाथ इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। पहले हम क्या करते थे, एक बीन फाइल बनाते थे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट फाइल, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, बीन को रजिस्टर करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है कि जितनी भी आपकी बीन है, बीन का मतलब जितनी भी आपकी क्लासें हैं, उनको इनेबल कर देता है कि ताकि ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि स्प्रिंग ऑटोमेटिकली उनका ऑब्जेक्ट बना सके, उनको उनका यूज़ कर सके। तो उसको अगर इनेबल करना है तो उसके लिए एनोटेशन होता है एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे जैसे आप हमने प्रोजेक्ट बनाया, हमने तो हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, हमने रिपोजिटरी क्लास बनाई, जितनी भी क्लासें बनाई, सॉरी डॉग क्लास बनाई, कंट्रोलर बनाई, सर्विस क्लास बनाई, तो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन आता है। अभी आपने देखा होगा हमने नहीं लगाया, हमने एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन नहीं लगाया था। ठीक है, तब भी हमने कंट्रोलर क्लास बनाई, सर्विस क्लास बनाई, डाओ क्लास बनाई, डाओ के ऊपर एट द रेट रिपोजिटरी लिखा। तो जितने भी हम क्लासे बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग कंटेनर उनको क्रिएट करे, उनको मैनेज करे, उनको डिस्ट्रॉय करे, कहाँ किसी में किसको बाइंड करना वो करे, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज होता है। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कि स्प्रिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सके उनकी लाइफ साइकिल को, तो उसके लिए उसको पहले उस कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करना पड़ता है। तो इनेबल कैसे करते हैं, इनेबल कैसे होता है, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए, इनेबल मतलब चालू हो जाए, तो वो किस एनोटेशन के थ्रू होता है, एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। आई बस समझ में सर। ठीक है, एक होता है व्हाट इज कंपोनेंट स्किन। ठीक है, तीन एनोटेशन होते हैं। कंपोनेंट स्किन का काम क्या होता है, जितने भी हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं अपनी उसमें, अपनी एप्लीकेशन में जितने भी एनोटेशन यूज कर रहे हैं, तो कंपोनेंट स्किन का काम क्या होता है, उन एनोटेशनों को स्कैन करना, मतलब पता करना कि कौन कौन से एनोटेशन इस एप्लीकेशन में यूज हो रहे हैं। जैसे स्कैन जो एक्सरे मशीन होती है, उसमें हम अपने बैग डालते हैं, तो उसमें स्कैन होता है कि इस बैग में क्या क्या जा रहा है। ठीक है, इस बैग में क्या क्या रखा हुआ है, ऐसे कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन काम होता है कि हम कौन कौन से एनोटेशन यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, उन एनोटेशनों का पता करना, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन इनेबल कंपोनेंट स्कैनिंग इन स्प्रिंग। अब जो स्कैनिंग होती है कि कौन कौन सी एनोटेशन यूज हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली तो नहीं होती,
उसको भी हमको इनेबल करना पड़ता है, इनेबल मतलब लागू करना पड़ता है। जैसे कोई रूल लागू करता है कलेक्टर या कोई अधिकारी, तो हम क्या कहते हैं रूल लागू हो गया। ऐसे ही अगर हमारी एप्लीकेशन है उसमें एनोटेशन का पता करना है कि कौन कौन से एनोटेशन यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए पहले जो स्कैनिंग है वो इनेबल करनी पड़ेगी। तो स्कैनिंग को हम बोलेंगे कंपोनेंट स्कैनिंग एनोटेशन यूज़ करते हैं स्कैनिंग करने के लिए। तो कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन क्या करता है, आपकी पूरी एप्लीकेशन में छानबीन करता है कि कौन कौन से एनोटेशन यूज़ हो रहे हैं। तो कंपोनेंट स्कैन को बोलेंगे कंपोनेंट स्कैन इनेबल कंपोनेंट स्कैनिंग इन स्पैनिंग। कंपोनेंट का मतलब वही होते हैं क्लासे वगैरह, जो क्लासे वगैरह हैं उनको स्कैन करता है कि इसमें कौन सा एनोटेशन यूज़ हुआ है। जैसे हमने स्टूडेंट क्लास में एनोटेशन आईडी यूज़ किया है, एट द रेट कॉलम यूज़ किया है, तो उसने स्टूडेंट क्लास को स्कैन किया। स्टूडेंट कंपोनेंट, कंपोनेंट और क्लास एक ही मान लो, तो स्टूडेंट क्लास को स्कैन किया तो उसने पता कर लिया इसमें आईडी एनोटेशन यूज़ हो रहा है, कॉलम एनोटेशन यूज़ हो रहा है, एंटिटी एनोटेशन यूज़ हो रहा है, टेबल एनोटेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से इनेबल हो पाता है, किसकी वजह से पता कर पाता है स्प्रिंग एप्लीकेशन कि कौन कौन से एनोटेशन यूज हो रहे हैं, कंपोनेंट स्कैन की हेल्प से। ठीक है, तो कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई विच पैकेज शुड बी स्कैन। अब यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे मेरी एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि कौन से पैकेज को, कौन से पैकेज है मुझे स्कैनिंग करनी है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पैकेज हैं, जैसे स्टूडेंट क्रेड एप्लीकेशन है, कंट्रोलर है, डाओ है, एंटिटीज है। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे फोल्डर स्कैन हो जाए तो मैं कुछ नहीं दूंगा बेस पैकेज में। बट अगर मैं चाहता हूँ मतलब बेस पैकेज का मतलब रूट पैकेज दे दूंगा मैं, अगर मैं कोई किसी पर्टिकुलर फोल्डर को स्कैन करना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर फोल्डर के एनोटेशन को पता करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे पैकेज का पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो, यस ठीक है। देखो अब तीन चीजें हुई, अब इनको और एक बार और समझते हैं। जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप उसमें एप्लीकेशन में एनोटेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, अब जब एनोटेशन यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि कौन से एनोटेशन यूज हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? उसके लिए उसको पहले स्कैन करना पड़ेगा, पूरी एप्लीकेशन को छानबीन करनी पड़ेगी, पूरी एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा स्प्रिंग को कि कौन कौन से एनोटेशन यूज हो रहे हैं। तो वो किस एनोटेशन की हेल्प से स्कैन करती है एप्लीकेशन को, स्प्रिंग स्प्रिंग का या स्प्रिंग बूट का है? कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन, तो कंपोनेंट स्कैन का यूज किया उसने एनोटेशन का, और ये पता कर लिया कि इस एप्लीकेशन में कौन कौन से एनोटेशन यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक बात हो गई। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे मैंने कोई क्लास यूज करी, मैंने क्लास बनाई, मैंने कंट्रोलर क्लास है, ऑब्वियसली होती तो क्लास ही है, उसके ऊपर हम एट द रेट कंट्रोलर लिख देते हैं तो कंट्रोलर बन जाती है, स्पेशल पावर आ जाती है। अब मैंने कंट्रोलर क्लास बनाई है, स्टूडेंट क्लास बनाई है, ठीक है, एक एंटिटी क्लास बनाई है, सर्विस क्लास बनाई है, सर्विस लेयर पे स्टूडेंट सर्विस क्लास बनाई है। अब ये जो है, जो क्लासें बनी हैं, इनका ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, इनको कौन डिस्ट्रॉय करेगा, एक दूसरे में बाइंड बाइंड करना है। ठीक है, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है एक क्लास से दूसरी क्लास में, पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज कौन करेगा, तो उसके लिए आईओसी कंटेनर करेगा। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा मुझे करना है, उसको बताएगा कौन कि भाई तुझे इन क्लासों को बनाना है, इन क्लासों के ऑब्जेक्ट को बनाना है और इनकी लाइफ साइकिल को मैनेज करना है, कैसे पता बताएंगे उसको? उसके वो एट द कॉन्फ़िगरेशन एट द रेट लाना कॉन्फ़िगरेशन, तो एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इस एप्लीकेशन में जो भी बीन है, बीन बनेंगी, उनकी बीन का मतलब जो भी क्लास बनेंगी उनकी पूरी की लाइफ साइकिल आईओसी कंटेनर मेंटेन करेगा। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है मतलब आईओसी कंटेनर मैनेज तो करेगा, बट उसको कॉन्फ़िगरेशन को, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेस है उसको इनेबल भी तो करना पड़ेगा। मान लिया कि आपके घर में एक लाइट लगी है, बल्ब लगा है, लेकिन अगर उसको आप उसको चालू करना चाहते हो, उसकी रोशनी देखना चाहते हो, तो आपको बटन तो स्विच करना पड़ेगा ना, तभी तो वो जलेगा। अब वो लट्टू लट्टू रोशनी तो कर सकता है, लेकिन जब तक स्विच ही बंद रहेगा तो कैसे करेगा? तो उसको हमको इनेबल करना पड़ेगा। मतलब ये आईओसी कंटेनर आपकी बीन को लाइफ साइकिल को मैनेज करेगा, बट जो फीचर है मैनेज करने का, उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन जो फीचर है
उसको हमको इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल कैसे करते हैं, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या होगा, जो भी फीचर है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे। और क्या फीचर होते हैं, जैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट सर्वर रहता है, डिफ़ॉल्ट सर्वर रहता है, हम ऐड नहीं करते हैं अलग से, तो वो भी एक इनबिल्ट फीचर है, वो भी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है और इनेबल हो जाता है हमारी एप्लीकेशन में। ठीक है, ये तीन एनोटेशन समझ में आए सर। इसमें है ना सर, मैं एक सर इसमें जैसे बीन और पोजो क्लास का कुछ अलग डिफरेंट है क्या, सेम ही? देखो पोजो क्लास भी बीन हो सकती है, बीन का मतलब है वही सेम ही होता है, सेम नहीं मतलब पोजो क्लास होती है, पोजो क्लास उसको बोलेंगे जिसमें प्राइवेट वेरिएबल और गेटर सेटर मेथड हो, बट वो जो पोजो क्लास है वो किसी दूसरी एपीआई की क्लास को ना तो एक्सटेंड करे और ना ही किसी दूसरे एपीआई के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। जैसे मैंने एक पोजो क्लास बनाई जिसमें प्राइवेट वेरिएबल और गेटर सेटर मेथड है, अगर वो क्लास स्प्रिंग क्लास की किसी भी क्लास को ना तो एक्सटेंड करती ना ही स्प्रिंग क्लास के किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती, तो उस क्लास को मैं पोजो क्लास बोलूंगा। ठीक है, उस क्लास को मैं क्या बोलूंगा, पोजो क्लास बोलूंगा, कि ना तो वो किसी दूसरी एपीआई की क्लास को एक्सटेंड करती है ना ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। अगर वो कर रही है तो पोजो क्लास नहीं है, बट पोजो एक बीन हो सकती है। बीन हम उसको बोलते हैं जिस क्लास की लाइफ साइकिल कौन मैनेज करता है, स्प्रिंग, चाहे वो पोजो हो चाहे वो नॉन पोजो हो चाहे कैसी भी क्लास हो, अगर उसका ऑब्जेक्ट आईओसी कंटेनर बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे ये बीन होगा, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल आईओसी कंटेनर मैनेज कर रहा है। समझ आए? ठीक है, ओके, अच्छा। बट हमने अपनी एप्लीकेशन में जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन बनाई उसमें हमने कहीं ये तीनों में से कोई एनोटेशन यूज नहीं किया, आप देखोगे। ठीक है, कहीं यूज नहीं किया। हमने कौन सा एनोटेशन यूज किया है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, तो होता क्या है कि पहले ये तो सर तीनों का कंबाइन होता है ना, हाँ जी, इसीलिए हमने यूज नहीं किया। ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होती है ना, ये जो एनोटेशन हमने एक एनोटेशन लगाया, ये जो एनोटेशन होता है वो तीनों एनोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो या तो हम ये अकेला एनोटेशन लगा दें या फिर हमको तीनों एनोटेशन लगाने पड़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन। तो हम तीन एनोटेशन नहीं लगाते, हम सिर्फ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन का यूज करते। क्लियर हुआ? अगर हम इस एनोटेशन को हटा देंगे तो हमको ये तीन एनोटेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हर्ष, क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट एनोटेशन होता है कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब वही है कि हम जैसे कोई भी क्लास बना रहे हैं तो इफ वी एड कंपोनेंट एनोटेशन ऑन द एनी क्लास, अगर हम क्लिक किसी क्लास के ऊपर एट द रेट कंपोनेंट लगा देते हैं, दैट क्लास इज ऑटो कॉन्फिगरेबल, मींस एट द रेट कंपोनेंट स्कैन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जो कंपोनेंट एनोटेशन लगा दिया हमने किसी क्लास के ऊपर, तो हमको कंपोनेंट स्कैन लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का काम क्या होता है, कि एनोटेशन को फाइंड करना कि कौन कौन से एनोटेशन लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से एनोटेशन लगे हुए हैं, लेकिन एट द रेट कंपोनेंट लगा दिया तो एट द रेट कंपोनेंट लगा दिया तो हमको कंपोनेंट स्कैन की जरूरत नहीं होती है, कि वो जो है बिना कंपोनेंट स्कैन के भी स्प्रिंग एप्लीकेशन उसको पकड़ सकती है, समझ सकती है कि ये एक इसके लिए हमको एक पिन बनाना है, एंड दैट क्लास इज मैनेज बाई स्प्रिंग कंटेनर। जैसे क्या होता है कि जैसे आपकी मान लो कि आपकी शादी में अगर मंत्री जी जाएं तो उनको अलग से पहचान की जरूरत है या उनको परिचय कराने की जरूरत है? Yes, sir. नहीं है ना, सब नहीं, 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 अभी आपकी शादी में सीएम आ जाएं, मुख्यमंत्री जी आ जाएं, तो आप परिचय कराओगे? नहीं कराओगे, वो ऑटोमेटिकली पहचान हो जाएगी। तो जो कंपोनेंट एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन यही करता है, जिस क्लास के ऊपर भी लग जाए तो वहां पे हमको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क समझ जाती है अच्छा इस क्लास को मुझे मैनेज करना है,
जिसके ऊपर मतलब मैं मैनेज करूँगा। कंपोनेंट स्कैन में हम बताते हैं कि कंपोनेंट स्कैन जिस क्लास के ऊपर पता करता है कंपोनेंट स्कैन कि मुझे कौन कौन सी क्लास में कहाँ कहाँ एनोटेशन लगे हुए हैं। तो कंपोनेंट स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है अगर मैंने किसी क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा दिया तो, ठीक है। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली पहचान लेती है, हाँ ठीक है ये एनोटेशन है, इसके लिए कंपोनेंट स्कैन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेरी क्लास में मैंने कंट्रोलर बनाया, ठीक है, मैंने क्लास बनाई उसके ऊपर लिख दिया एट द रेट कंट्रोलर, तो इस कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, यस ठीक है। वो कौन बनाएगा? लेकिन जो एट द रेट कंट्रोलर लगाया हुआ है वो पता कैसे चलेगा कि एट द रेट कंट्रोलर लगा हुआ है इस क्लास के ऊपर? स्ट्रिंग को कैसे पता चलेगा? जब ये स्कैन कंपोनेंट स्कैन कंपोनेंट स्कैन जब लगाएंगे तब। तो हम कंट्रोलर की बात ना करके किसी और क्लास की बात कर लेते हैं, जैसे ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे स्टूडेंट क्लास बनाई उसमें हमने जो एनोटेशन यूज किए, तो उन एनोटेशनों को स्कैन करने के लिए कंपोनेंट स्कैन की जरूरत होती है। बट जैसे कंपोनेंट लगा दिया मैंने किसी क्लास के ऊपर, तो वहाँ पे स्कैन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई ये इस जो क्लास है जो बनाई है जिसके ऊपर आपने लगाया है इसको स्प्रिंग कंटेनर मैनेज करेगा। बेसिकली कंपोनेंट स्कैन का काम यही होता है कि स्कैन करके बताना कि ये चीज़ें आईओसी कंटेनर को मेंटेन करनी है, मैनेज करनी है। पूरी एप्लीकेशन में मैं खोजा और आईओसी कंटेनर को बता दिया कि यहाँ यहाँ एनोटेशन लगी हो, ये जो क्लास है आपको मैनेज करनी है, ठीक है। लेकिन जिन जिन के ऊपर हमने कंपोनेंट लगा दिया तो आईओसी कंटेनर को अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमको मैनेज करनी है, आईओसी कंटेनर खुद पहचान लेगा अच्छा इसको मैनेज करनी है। जैसे आप शादी में गए, तो जिसके यहाँ शादी है तो आपको जाके बताना पड़ता है मैं आ गया, यहाँ आप क्या कर रहे हो, मैं आ गया बता रहे हो आईओसी कंटेनर को, इसके बता रहे हो कि देखो कंपोनेंट बताएगा ये देखो ये आ गए। लेकिन वहीं कोई वीआईपी आ जाए तो बताने जाएगा? वो नहीं जाएगा बताने, आईओसी कंटेनर खुद पहचान लेगी उसको आके, अच्छा आप आ गए। तो ऐसे ही है, जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लग गया तो आईओसी कंटेनर को जरूरत ही नहीं है, आईओसी कंटेनर खुद पहचान लेगा अच्छा इस क्लास को मुझे मैनेज करना है। बीन क्या होता है? बीन की डेफिनेशन ये है, अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय स्प्रिंग कंटेनर, और वी कैन से अ क्लास हुज लाइफ साइकिल इज मैनेज्ड बाय स्प्रिंग कंटेनर इज कॉल्ड स्प्रिंग बीन। कोई भी क्लास है जो क्लास आईओसी कंटेनर जिसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करे उसको बीन बोलते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। अब देखो, अब ये जो कंपोनेंट एनोटेशन होता है ना वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी। इसलिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमने कंपोनेंट लगाया, हमने हमेशा कंट्रोलर लगाते हैं, सर्विस लगाते हैं और रिपोजिटरी करते हैं, क्योंकि ये इसके चाइल्ड एनोटेशन मान सकते हैं, या कहें तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है हर्ष? अब देखो, अब इन तीन एंटिटी और रिपोजिटरी एनोटेशन सेम होते हैं सर क्या? नहीं नहीं, ये जो चार है, मुझे ये जो चार एनोटेशन है वो इस पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक एंटिटी क्या है, एंटिटी उसका एंटिटी का क्या काम होता है, आपने क्या बताया? मैं को तो यही पता था एंटिटी जनरेट एनोटेशन है। हां तो काम क्या करता है एनोटेशन? उसमें बिजनेस लॉजिक लिखते हैं उसमें। एंटिटी में बिजनेस लॉजिक कब से लिखते हो आप? एंटिटी एनोटेशन आपने कहाँ पे देखा है? रिपोजिटरी क्लास में देखा ना। रिपोजिटरी क्लास में तो एट द रेट रिपोजिटरी लगाते हैं। सर्विस क्लास में वो लिखते हैं, सर्विस क्लास में बिजनेस लॉजिक लिखते हैं तो एट द रेट वो लगाते हैं सर्विस। कहाँ देखा है आप लोगों ने एंटिटी एनोटेशन कहाँ लगाते हैं? क्या काम करता है एंटिटी एनोटेशन?
एंटिटी एनोटेशन मतलब यही तो बताता है उसमें कि किस नाम से क्लास वो उसमें टेबल बनानी है हमें क्लास से क्लास के ऊपर जिस क्लास के ऊपर अपने एंटिटी एनोटेशन लगाते हैं तो टेबल उसी क्लास के नाम से बनती है तो ये बताना चाहिए था ना आप मैंने गलत बता दिया था ठीक है तो ये जो कंपोनेंट है ये चार तरह के एनोटेशन है ये स्पेशल एनोटेशन है ध्यान देना ये जो चार एनोटेशन है कंट्रोलर जो हम कंट्रोलर के ऊपर लगाते हैं सर्विस जो हम सर्विस लेयर पे लगाते हैं रिपोजिटरी जो हम डाउ लेयर पे लगाते हैं और इन तीनों के ऊपर होता है कंपोनेंट एट द रेट कंपोनेंट तो कंपोनेंट इनका सुपर है सुपर एनोटेशन कह ले या कहें कंपोनेंट के तीन पार्ट है तो इन चार को क्या बोलते हैं एक स्पेशल नाम दिया गया है स्टीरियोटाइप एनोटेशन तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप एनोटेशन या स्टीरियोटाइप एनोटेशन कौन कौन से होते हैं ठीक है देखो अब क्या होते हैं व्हाट इज स्टीरियोटाइप एनोटेशन एनी क्लास विच इज ऑटो कॉन्फिगरेबल मीन्स स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास एंड मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मतलब ये जो एनोटेशन होते हैं ये ऑटो कॉन्फिगरेबल होते हैं ये ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर हो जाते हैं ठीक है चार तरीके के स्टीरियोटाइप एनोटेशन होते हैं कंपोनेंट कंट्रोलर सर्विस और रिपोजिटरी ठीक है आर यूज्ड सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सेपरेशन लेयर ठीक है हाँ एट द रेट सर्विस कंट्रोलर और रिपोजिटरी आर यूज्ड सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द सेपरेशन ऑफ लेयर्स अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज अब देखो अलग अलग क्यों लगाए जाते हैं हम चाहें तो कंट्रोलर की जगह भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं सर्विस की जगह भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं रिपोजिटरी की जगह भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं बट हम नहीं करते हैं उसके कुछ रीजन है और करने से क्या गड़बड़ हो सकती है वो भी हम देखेंगे ठीक है पहली गड़बड़ तो यही होगी अगर एट द रेट कंपोनेंट लगा दिया तो हम ये सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी क्लास में बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है किस क्लास में डेटाबेस का लॉजिक लिखा हुआ है और किस क्लास में कंट्रोलर का लॉजिक लिखा हुआ है तो इसलिए हम सेपरेट करते हैं इन एनोटेशन का यूज करके ताकि हमें क्लियर कट हो जाए कि सर्विस लिखा हुआ है तो इस क्लास में बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है ये क्लास के ऊपर रिपोजिटरी लिखा हुआ है तो इस क्लास में डॉग डेटाबेस का लॉजिक लिखा हुआ है इस क्लास में कंट्रोलर लिखा हुआ है तो इसमें में कंट्रोलर का लॉजिक लिखा हुआ है इसलिए हम हर लेयर पे अलग अलग जो भी परफेक्ट एनोटेशन होता है जिस एनोटेशन यूज होता है वही एनोटेशन लगाते हैं एट द रेट कंपोनेंट नहीं लगाते हैं ठीक है अब कंट्रोलर का काम क्या होता है कंट्रोलर एनोटेशन इज टू मेक अ क्लास कंट्रोलर किसी भी क्लास को कंट्रोलर बनाना है तो एट द रेट कंट्रोलर अब कंट्रोलर का बेसिक काम होता है कंट्रोलर क्लास कैन हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द ब्राउजर जो भी रिक्वेस्ट आती है वो कौन हैंडल करता है कंट्रोलर ठीक है अब क्वेश्चन है कैन वी चेंज कंट्रोलर टू कंपोनेंट जो हम एट द रेट कंट्रोलर लगाते हैं उसकी जगह अगर हम एट द रेट कंपोनेंट लगा दें तो क्या होगा चेंज तो कर सकते हैं हम यस बट नाउ कंट्रोलर क्लास विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल बीन क्लास तो कंट्रोलर कैन नॉट हैंडल एनी रिक्वेस्ट कम फ्रॉम द ब्राउजर अगर हमने कंट्रोलर की जगह कंपोनेंट लिख दिया तो दिक्कत कुछ नहीं होगी हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी बट जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो रिक्वेस्ट को नहीं पकड़ पाएगा रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा ठीक है समझ में आया अंतर तो ये पूछा जाता है क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या बात आई समझ में यस सर ठीक है दूसरा व्हाट इज सर्विस एनोटेशन सर्विस को मतलब जहां पे हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं इफ वी वांट टू एनोटेट any class with service annotation that means indicate that all the business logic is present in this class theek hai agar hum business logic likh rahe hain to uske liye hum service annotation laga dete hain repository annotation matlab yahan pe database ka logic likha hua hai theek hai isme koi dikkat service matlab business logic likha hua hai repository matlab is class mein database ka logic likha hua hai controller matlab इसमें मेथड लिखे हुए हैं टू हैंडल द रिक्वेस्ट इसमें कोई कंफ्यूजन नो सर
ये रिपोजिटरी एनोटेशन। अच्छा कंट्रोलर, कंट्रोलर रिपोज, देखो कंट्रोलर में एक स्पेशल चीज़ होती है कि वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। कंट्रोलर की जगह अगर कंपोनेंट कर देंगे तो काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन में एरर नहीं आएगी बट वो रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा। सर्विस लेयर में बिजनेस लॉजिक लिखते हैं बट उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ठीक है। बिजनेस अगर सर्विस लेयर की जगह हम कंपोनेंट कर दें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम कोई रिक्वेस्ट हैंडल कर नहीं रहे हैं, बस लॉजिक लिखा हुआ है बिजनेस लॉजिक। अब होता है इसका रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी भी एक स्पेशल वो थोड़ा उसका थोड़ा स्पेशल काम रहता है। क्या काम रहता है कि रिपोजिटरी इज यूज एट डॉल लेयर टू मेक एक्सेप्शन जनरलाइज फॉर्म। मतलब जनरलाइज फॉर्म का मतलब क्या होता है, सपोज अवर डॉल लेयर हैज establish connection with different DB like Oracle, MySQL, DB2, then these DB will throw different exception, so it is very difficult to handle to repository makes the exception general exception। मतलब कि मान लिया हम अपनी application है और मेरी application 2-3 database को use कर रही है, तो हर एक database से जो exception आती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। MySQL से exception अलग आएगी, Oracle से अलग आएगी, DB2 से अलग आएगी, तो उन सारी मान लो कोई रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में नहीं मिला, अब वही रिकॉर्ड अगर मैं वही रिकॉर्ड Oracle डेटाबेस में नहीं मिला तो वो अलग तरीके से एक्सेप्शन सेंड करेगा, अगर कोई रिकॉर्ड MySQL में नहीं मिला तो वो अलग तरीके से एक्सेप्शन सेंड करेगा, कोई रिकॉर्ड DB2 में नहीं मिला तो अलग तरीके से एक्सेप्शन थ्रो करेगा। बट इन सारी एक्सेप्शनों को एक जनरल फॉर्म में मतलब कंबाइन करके कि ताकि एक ही जनरल फॉर्म कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग कैटेगरी की एक्सेप्शन को एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो काम करता है वो रिपोजिटरी एनोटेशन बेस्ट तरीके से कर सकता है। मतलब हम कह सकते हैं रिपोजिटरी का बस यही फायदा होता है कि अगर डाउ लेयर पर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, बस यही एक स्पेशलिटी है उसकी। इंटरनली वो कैसे करता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? नहीं आई? रिपोजिटरी कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर डेटाबेस लिखा हो वहाँ रिपोजिटरी यूज करते हैं। अब फिर वही कैन वी इंटरचेंज कंट्रोलर एंड रिपोजिटरी, क्या हम कंट्रोलर की जगह रिपोजिटरी लिख दें तो क्या होगा? यू कैन इंटरचेंज देन बट इट इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। अगर हम एट द रेट कंट्रोलर लिख दें, कंट्रोलर की जगह एट द रेट रिपोजिटरी कर दें तो क्या काम चलेगा? एरर तो कुछ नहीं आएगी बट एक एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। मतलब अगर कंट्रोलर की जगह हम वो लिख दें रिपोजिटरी तो रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होगी, ठीक है, और एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं आएगी। तो हम यही कहेंगे कि एक्सचेंज तो कर सकते हैं बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोलर हटा देंगे तो रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होगी। रिपोजिटरी की जगह कंट्रोलर लिख दें तो भी कोई एरर नहीं आएगी, तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही हम करते हैं, ठीक है। हेलो, तो अगर उसने ऐसा पूछा कि कंट्रोलर की जगह मैंने रिपोजिटरी कर दिया तो क्या होगा? तो रिक्वेस्ट हैंडल नहीं होगी। अगर उसने बोला रिपोजिटरी की जगह कंट्रोलर कर दिया तो आप कह सकते हो कि डेटाबेस से जो एक्सेप्शन आएंगी वो हैंडल नहीं होंगी, क्योंकि जिसका काम जहाँ पे है वही करता है, बट एरर कुछ नहीं आएगी, हमारी एप्लीकेशन चल जाएगी, लेकिन जब हम एक्चुअल मतलब स्टार्ट तो हो जाएगी, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी पर रन नहीं होगी। स्टार्ट और रन में अंतर समझो कि स्टार्ट हो गई, जैसे हमने एप्लीकेशन जो हमारी मेन जावा फाइल है उसको राइट क्लिक करके रन जावा करी, स्टार्ट हो गई, इसको बोलेंगे स्टार्ट होना। रन होना किसको बोलेंगे? जैसे मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजी तो वो रिक्वेस्ट ही हैंडल नहीं होगी,
तो रन नहीं होगी हमारी एप्लीकेशन बट स्टार्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? बाकी के एनोटेशन कल पढ़ते हैं। बहुत टाइम हो गया सर, दो तीन क्वेश्चन है मेरे तो। हाँ बताओ, बता दो।